सो हाय दोस्तों, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर द जैन 2021 एग्जामिनेशंस। गाइस, अब टाइम है, अब नहीं रुकना, अब रुकना मना है दोस्तों। अब हिम्मत नहीं हारनी, अब पेलना है जाके एग्जामिनेशन पेपर को, सॉल्व करना है एग्जामिनेशन पेपर को। हमारी हिम्मत का, हौसला का घड़ी आ चुकी है। जो हमने इतने टाइम से वेट किया, उसकी बारी आ चुकी है। अब कंप्लीट करना है बिना किसी हिम्मत, बिना किसी सिरदर्दी के। हमें एग्जाम पेपर में जाके आना है और पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, अच्छे से करके आना है, प्रॉपर वे से करके आना है। सो हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सीए कार्तिक जिंदल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद सीए केजे। फिर से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जब अभी जो सीए के अपकमिंग पहले वाले एग्जाम थे, तब भी मैंने टॉक विद सीए केजे के कंप्लीट एपिसोड लिए थे, मतलब एफआर के बाद के। अब उसमें बच्चों को काफी हेल्प हुई। तो दोस्तों, आज आपका साथ मैं नहीं छोड़ने आया। अब बात करते हैं एफआर के एग्जाम्स की। कल आपका एफआर का एग्जाम है, सिर्फ 5 मिनट की टॉक है दोस्तों। 5 मिनट के अंदर हम सब कुछ कवर हो जाएगा दोस्तों। आपका हमारा एग्जाम है, हम बात करेंगे 5 मिनट एग्जाम से पहले। एफआर का पेपर है दोस्तों, सबसे पहली बात है घबराना नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पेपर हार्ड आएगा दोस्तों, मैं मानता हूं चलो पेपर हार्ड आ जाएगा, कोई बारी बात नहीं है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। पेपर आसान आ जाएगा तो हमारा क्या है, कंप्लीट का कंप्लीट है बोनस। अगर पेपर हार्ड आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, सोच के चलो, आज ही सोच लो पेपर मुश्किल आएगा, कोई बात नहीं, कल को देख लेंगे भाई। लेकिन दोस्तों, अगर पेपर गलती से मुश्किल आ गया तो वहां पे लूज आउट मत हो जाना। अगर लूज आउट हो गए, समझ लेना दोस्तों, जैन 2021 का जो था सपना, वो नहीं काबिल हो पाएगा, वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले जो हमारे को टाइम मिलता है फर्स्ट 15 मिनट का, आज की बात सुन लो, टेक स्लीप वेल। कम से कम 6.5 से 7 घंटे का स्लीपिंग होना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो, हम तो सर 4 घंटा सोते हैं, और हम तो सर सोते नहीं है। भाई ऐसी गलती मत कर लेना, कम से कम 6.5 घंटे तो मिनिमम बोल रहा हूं सोना, और 7 घंटे तक सोना, माइंड बिल्कुल सही रहेगा आपका, बिल्कुल का बिल्कुल फ्रेश माइंड रहेगा। पेपर बहुत ही अच्छा होने के पूरे पूरे आसार हैं। आप जो भी भगवान को मानते हो, उनका नाम लेना, पेपर टॉप का होगा दोस्तों। पहले जो पेपर मिलता है आपको, फर्स्ट टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट मेन टाइम दोस्तों, रीडिंग टाइम का खेल है। सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट जो टाइम है दोस्तों, वो है रीडिंग टाइम का खेल। उस टाइम पे दोस्तों, जो रीडिंग टाइम है, हमको उसका पूरा यूज करना है, उसको हमने पेपर को अच्छे से रीड कर लेना है। घबराना नहीं है, वहां भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट यार, क्या हुआ, पेपर ही है दोस्तों। हाँ, आईसीएम हमसे क्या मांगती है, एक्सपर्ट नॉलेज मांगती है, एक्सपर्ट एडवाइस मांगती है। आप अपने आप को ये सोचना एग्जाम के अंदर कि आप एक एनडीएस कंसल्टेंट हो, आपको किसी कंपनी ने हायर किया है, आपको उस क्वेश्चन सोल्व करने के पैसे मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि पैसे मिलते हैं कुछ, आपको एनडीएस का क्वेश्चन दे रहा है, आपको पैसे मिलने वाले हैं। आप इस सोच के पेपर करना, पेपर जबरदस्त होगा दोस्तों आपका, क्योंकि आप एक एनडीएस कंसल्टेंट हो, आप एक एक्सपर्ट हो, आप एक इंडिया के टॉप एक्सपर्ट हो दोस्तों। ऐसा सोच के एग्जाम करके आना, कोई भी बाल से बांका नहीं कर पाएगा दोस्तों आपका। अगर पेपर थोड़ा अटपटा पूछ लिया, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे अटपटे, उनके चक्कर में पूरा पेपर खराब मत कर देना। 15 जो मिनट मिलते हैं, उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है वो चूज करना है, जो अच्छा आता हो वही चूज करना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और जो क्वेश्चन छोड़ना है वो नहीं सोचना। कुछ बच्चे बोलते हैं हम ये फॉलो करते हैं कि छोड़ना है वो देखते हैं, वो नहीं देखना। जो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है वो देखना है, और 1 घंटे के अंदर, 2 से 3 के बीच में 1 घंटे के अंदर हमको 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। अगर 40 मार्क्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और जो कि कंप्लीट करना आसान सी बात है, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करने हैं कंप्लीट, बाद में 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक 2 घंटे में हो जाएंगे। जो छोड़ना है वो ऑटोमेटिक साइड बाय साइड आपका हो जाएगा, आपको ये फील भी नहीं आएगी कि यार हाइला ये क्वेश्चन था जो मैं छोड़ना था, वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो ये रखनी है, जो भी मेन एंड ऐसा है आपको नाम मेंशन एग्जाम में जरूर करके आना है। जो भी एग्जाम में एनडीएस का जहां भी आए रेफरेंस, वहां पे आपको एनडीएस यूज करने आना है, और वहां पे अंडरलाइन करना है जो भी इंपॉर्टेंट थी, जो जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो दोस्तों आपको वहां पे अंडरलाइन जरूर करके आना है। अंडरलाइन क्यों, क्योंकि इससे इंप्रेशन वहां होता है। और क्वेश्चन नंबर टॉप पे लिख के आना है पेज के, और भाई हैंडराइटिंग की ज्यादा केयर नहीं करनी, और जो ना आप स्केल से अंडरलाइन लाइन मारते हो वो भी छोड़ देना दोस्तों, इतना कोई नहीं देखता। डोंट वरी, कंटेंट की वैल्यू है, किसी और चीज की वैल्यू नहीं है। तो
तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा सिस्टम। बस यार वहां पे लूज आउट मत हो जाना, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करनी है भाई, बिल्कुल नहीं घबराना। हमें एग्जामिनर को अपनी जो नॉलेज है वो इंप्रेस करनी है, उसको ये बताना है हमें पूरा का पूरा इंडिगेस आता है। और ज्यादा कुछ नहीं सोचना दोस्तों, टेक स्लीप वेल, रेस्ट वेल, अच्छा होगा अब तो आपने इतनी एफर्ट्स की हैं दोस्तों। एंड मुझे इस बात की खुशी, दोस्त कंप्लीट साथ हूं, साथ था, साथ रहूंगा। एंड आपने बड़ा मुझे प्यार दिया, थैंक यू दोस्तों इस चीज के लिए। एंड दोस्तों आपके साथ हूं दोस्तों, डोंट वरी एंड बी वॉरियर। एंड अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोस्तों। हिम्मत नहीं यार, नहीं हमने एफर्ट किए हैं ना, किए हैं कि नहीं किए, किए हैं या एफर्ट्स नहीं किए, मुझे बताओ। अगर एफर्ट्स किए हैं ना तो जो दिल में ना धक धक हो रही है, नहीं ये नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो पास होने के लिए बनता है दोस्तों। जब तक एग्जाम नहीं दोगे, सीए नहीं बन पाओगे, तो एग्जाम से भागो मत, उसको पास बुलाओ। और कल आपका टाइम आ चुका है जिसकी हमने इंतजार किया था। लेट्स गेट इट आउट एंड लेट्स पास द आईसीए एग्जामिनेशन विद फुल स्विंग। एंड जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त ये कार्तिक जिंदल। बाय दोस्तों।